Good afternoon, everyone. This is the sum we will do now. Beta Limited has issued 5,000 12% debentures of rupees 100 each under SEBI regulations, redeemable on 31st December 2013 at a premium of 5%. So, यहाँ पे क्या है कि बीटा लिमिटेड के पास 5,000 डिबेंचर्स है जो उन्होंने उनको रिडीम करना है कौन से डेट में 31st December 2013 को एट अ प्रीमियम ऑफ 5% एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. तो द कंपनी ऑफर्ड 3 ऑप्शंस टू डिबेंचर होल्डर्स एज फॉलोस. एक तो उनको 14% प्रेफरेंस शेयर्स 10 रुपये का 12 रुपये में मिल सकता है, 2 रुपीस प्रीमियम दे रहे हैं, या तो उनको 15% डिबेंचर्स मिल सकता है 100 रुपीस का एक पार में फेस वैल्यू में, या तो थर्ड ऑप्शन है दे विल गेट कैश, दे में डिमांड फॉर कैश रिडेम्पशन में वो लोग बोल सकते हैं हमें पैसा दो, हमें प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स नहीं चाहिए, आप लोग हमें कैश में पेमेंट करो. दीज आर द 3 ऑप्शंस. नाउ द ऑप्शंस आर एक्सेप्टेड एज अंडर पहला ऑप्शन में बाय पहला ऑप्शन 1500 डिबेंचर होल्डर्स ने एक्सेप्ट किया, दूसरा ऑप्शन भी 1500 डिबेंचर्स के होल्डर्स ने एक्सेप्ट किया, एंड जो लास्ट ऑप्शन है कैश का वो 2000 डिबेंचर्स के होल्डर ने ऑप्ट किया. सो द रिडेम्पशन वॉज कैरीड आउट बाई द कंपनी आफ्टर क्रिएटिंग डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फॉर ट्वाइस द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड बाई लॉ. तो यहाँ पे बोलते हैं मिनिमम अमाउंट होता है 25%. मिनिमम अमाउंट कितना होता है? 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स रिडीम्ड एट कैश. तो क्या मिनिमम क्या होता है ये यहाँ पे मत देखो, मिनिमम ऑप्शन ये आई कॉपी हियर. सो व्हाट इज द मिनिमम ऑप्शन? मिनिमम ऑप्शन है मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड एट कैश. जितना भी हम रिडेम्पशन इन कैश करते हैं ना उसका जो फेस डिबेंचर का जो फेस वैल्यू है उसका हमें 25% निकालेंगे वॉट एवर अमाउंट वी आर पेइंग बाई कैश. तो दैट मच अमाउंट हमें प्रॉफिट का साइड में रखना पड़ता है. तो यहाँ पे बोलते हैं ट्वाइस द मिनिमम अमाउंट. ट्वाइस मतलब क्या? हम मिनिमम अमाउंट 25% है, ट्वाइस मतलब 2 × 25%. हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा 2 × 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड. ये सब में अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये जो हमें क्वेश्चन में बोला है ना, हमें कितना अमाउंट करना है? हमें ट्वाइस ऑफ द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड बाय लॉ, इतना साइड में रखने. ये क्या है यू विल अंडरस्टैंड व्हेन वी विल डू द सम. सो लेट अस सी हियर, लेट अस स्टार्ट विद द सम, एंड ये भी और अच्छे से समझेगा when we will start doing the sum. ये क्या है 2 × 25%? Let us see when we will do the sum. So what we have to do, journal entries. Journal entries in the books of Beta Limited. Journal entries in the books of Beta Limited. ये स्पेस निकाल देते हैं. सो हियर आई इंसर्ट द कॉलम्स, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट.
देखो यहाँ पे एक डेट दिया है, तो हम अगर डेट से लिखेंगे तो हर सम में फिर हमें वो ही डेट लिखना पड़ेगा। डेट क्या दिया है, रिडेम्पशन कभी हो रहा है, 31 दिसंबर 2013, तो हर जगह फिर वही डेट लिखना पड़ेगा, बिकॉज अदर एनी डेट इज नॉट गिवन। तो वो अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिख रही हूँ, नहीं तो सेम डेट बार बार लिखना पड़ेगा। रुपीस रुपीस, तो पहला एंट्री रहेगा ड्यू का। पहला एंट्री हमें क्या करना है, 5,000 डिबेंचर, 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच को रिडीम करना है 5% प्रीमियम में। तो ये रिडीम करेंगे तो ये जो 12% डिबेंचर है वो कैंसल हो जाएगा, कैंसल होएगा तो डेबिट में आएगा, बिकॉज लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस कैंसल होता है, कम होता है तो डेबिट में लिखते हैं। एक और चीज आ जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट, ये पूरा पैसा किसको मिलेगा, टू द डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर। तो कितना है, 5,000 डिबेंचर्स है एंड वन डिबेंचर इज ऑफ 100, सो दिस बिकम्स 5 लाख। और प्रीमियम देना है, 5% ऑफ 100 इज 5 रुपीज, तो 5 रुपये का प्रीमियम देना है एवरी डिबेंचर को, प्रीमियम इज एट 5%। तो फेस वैल्यू का 5%, फेस वैल्यू इज 100, उसका 5% इज 5 रुपीज, सो 5,000 डिबेंचर को 5 रुपीज का प्रीमियम देना है विच बिकम्स 25,000। तो डिबेंचर होल्डर्स को हमें टोटल 5,25,000 देना है। तो इसको बोलेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन। इसके बाद नेक्स्ट वन, तीन ऑप्शन है यहाँ पे, तीन ऑप्शन है तो हमें तीनों ऑप्शन के लिए एंट्री पास करना है। ये जो डिबेंचर होल्डर है अब इसको पे करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। और पहले ऑप्शन के हिसाब से क्या देंगे, पहले ऑप्शन के हिसाब से 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देंगे, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये 10 रुपीस का शेयर 12 रुपीस में देने वाले हैं, तो 2 रुपीस जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। हम वर्किंग में जाते हैं, लेट अस गो टू द वर्किंग नोट एंड लेट अस फाइंड आउट ऑप्शन वन में कितना रहेगा। ऑप्शन वन में कितना, कितने डिबेंचर होल्डर ने ऑप्शन वन लिया, ऑप्शन वन 1500 डिबेंचर होल्डर ने लिया है, तो 1500 इनटू 100 रुपीस, इनको क्या मिलेगा, इनको 100 रुपीज शेयर का मिलेगा, 5 रुपीज प्रीमियम का मिलेगा, तो दे विल गेट 105 रुपीज, दे विल गेट 105 रुपीज। सो अगर हमें यहाँ पे देखना है, अगर हमें यहाँ पे अगर इसको अलग तरीके से देखना है, तो ये 1500 डिबेंचर होल्डर को 1500 शेयर का पैसा मिलेगा और 1500 प्रीमियम का पैसा मिलेगा। सो मैंने उसको दोनों को भी ऐड किया, मतलब 1500 डिबेंचर होल्डर जो पहला ऑप्शन ले रहे हैं उनको 105 रुपीस मिलना चाहिए रिडेम्पशन में, 1500 में इंटू 100 ऑफ द डिबेंचर एंड 5 रुपीज ऑफ द प्रीमियम। तो मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट हाउ मच, हमें मिलेगा 1,57,500।
ये जो 1,57,500 है, ये डिवाइड बाई कितने का शेयर है, कितने का प्रेफरेंस शेयर मिलने वाला है, 10 रुपीज का एट 12 रुपीज। सो डिवाइड बाई 12 करो तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर मिल जाएगा। ये 12 कैसे मिला, 10 प्लस 2, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 10 रुपीज का फेस वैल्यू ऑफ शेयर, और 2 रुपीज का ये क्या है, प्रीमियम, दोनों मिला के इट इज 12। तो करो 1,57,500, 1,57,500 डिवाइड बाय 12, तो नंबर ऑफ शेयर है 13,125, 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट ₹12। तो यहाँ पे वी विल राइट, 1,315 इंटू 10 एंड प्रीमियम का 2 रुपीज, 13,125 इंटू 2। तो लेट अस सी यहाँ पे कितना शेयर है, 1500 टुक द ऑप्शन और उनको 105 रुपीज मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा, 1,57,500। तो इधर रेफरेंस शेयर का मल्टीप्लाई करो, हाउ मच इट इज कमिंग, 1,31,250, और ये प्रीमियम का आर करो, यू विल गेट 26,250। तो ये है बीइंग नंबर ऑफ डिबेंचर्स, ऑप्टेड फॉर ऑप्शन वन, ये हो गया। अब हम लोग जाते हैं दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन है 15% डिबेंचर्स का 100 रुपीज का एट पार, और कितने लोगों ने ये ऑप्शन लिया, सेकेंड ऑप्शन भी 1500 डिबेंचर्स ने लिया है, तो उनको क्या मिलेगा, ये जो डिबेंचर होल्डर है ये क्रेडिट में था, अब पेमेंट होगा तो इट विल बी इन द डेबिट, और इनको बदले में क्या मिलेगा, इनको बदले में मिलेगा 15% डिबेंचर, तो ये लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा 15% डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये कितना है, उसके लिए लेट अस गो टू द वर्किंग नोट, ऑप्शन टू में भी 1500 लोगों को 105 देना है, 105 देंगे तो इट विल बिकम रुपीस 157,500, और इसको क्या देना है, इनको 100 रुपीस का डिवाइड बाई 100 रुपीस का डिबेंचर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1,575, 15% डिबेंचर। कहते कैसे पता चला, इट इज गिवन दैट वन डिबेंचर इज ऑफ 100 रुपीस ईच इशूड एट पार, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना है, 1,575 इंटू 100, और यहाँ पे कितना है, इट इज 1,500 इंटू 105, प्रीमियम के साथ दे रहे तो इट बिकम्स 1,57,500, ईयर ऑल्सो इट बिकम्स 1,57,500, इट इज बीइंग नंबर ऑफ डिबेंचर ऑफ बीइंग नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑप्टेड फॉर ऑप्शन ऑप्शन टू। फिर इसके बाद लास्ट ऑप्शन है, डिबेंचर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, इनको लास्ट ऑप्शन में क्या मिलने वाला है, कैश मिलने वाला है। लास्ट ऑप्शन कितने लोगों ने
कितने डिबेंचर होल्डर ने लिया? 2000 डिबेंचर होल्डर ऑप्टेड फॉर कैश, थर्ड ऑप्शन. सो हम लोग जाते हैं वर्किंग नोट में, ऑप्शन थ्री, कितने लोगों ने? 2000 लोगों को 105 देना है, 100 रुपीस डिबेंचर का एंड 5 रुपीस प्रीमियम का. तो ये दोनों को ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, 2000 इंटू 15 कितना होता है? 2000 इंटू 15, 2000 इंटू 15 इज सॉरी 2000 इंटू 105 कितना होता है? देखो 2000 इंटू 105 इज इक्वल टू 210,000. तो ये कैसे देना है? इन कैश, कैश. तो इनको मिलने वाला है कैश में. तो इधर भी टू कितना है? 2000 इंटू 105 और यहाँ पे भी हम लोग को क्या हो रहा है? सेम अमाउंट कैश में मिल रहा है, 210,000. 2000 डिबेंचर होल्डर्स ने बोला है कि उनको कैश चाहिए. तो दिस बिकम्स बीइंग नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, बीइंग नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ऑप्टेड फॉर ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थ्री. तो इसके साथ हमने सबको पे कर दिया. अभी क्या करना है, बहुत इम्पोर्टेंट, कि जो हमने अभी यहाँ पे देखो क्या दिया है, मैंने वो लिखा भी था दैट हियर हमें क्या करना है. यूज द वन मिनट, हियर दिस वन बीटा लिमिटेड. सो बीटा लिमिटेड का क्वेश्चन में क्या बोला है? दैट वी हैव टू यूज द, वी हैव टू, रिडेम्पशन वॉज कैरीड आउट बाई द कंपनी फॉर, यहाँ पे डी आर आर यूज किया. डी आर आर पहले नॉर्मली कन्वर्जन में हम डी आर आर सिंकिंग फंड ऐसे कुछ भी नहीं दिखाएंगे. देखो हम डी आर आर में प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफर करते हैं, सिंकिंग फंड में प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफर करते हैं? पी एन एल अकाउंट में. रिडेम्पशन होने के बाद डी आर आर और या सिंकिंग फंड में जितना भी पैसा होता है वो हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं. तो यहाँ पे हम वो जो हमने प्रॉफिट यूज किया है उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट यूज किया है तो वी विल यूज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और यहाँ पे हम डी आर आर यूज करने दो या सिंकिंग फंड यूज करने दो, हम सिर्फ दो एंट्रीज को कंबाइन करेंगे और हम प्रॉफिट डी आर आर में ट्रांसफर करते हैं और रिडेम्पशन होने के बाद डी आर आर से जो भी पैसा है वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं? जनरल रिजर्व में. तो ये एंट्री पास करना है. और यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है हम नॉर्मली मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर कितना करना होता है? 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर टू बी रिडीम्ड इन कैश. तो ये हमारा लास्ट वर्किंग नोट में क्या है रूल? इट इज ये सम में बोला है ट्वाइस द अमाउंट, मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड बाय लॉ. हमें कितना रिडेम्पशन के लिए प्रॉफिट कितना यूज करना है? हमें रिडेम्पशन के लिए प्रॉफिट यूज करना है डबल द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड बाय लॉ. लॉ मतलब एज पर कंपनीज एक्ट 2013, हमें 25% यूज करना है. कितना यूज करना है? एज पर कंपनीज एक्ट हमें 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स रिडीम्ड इन कैश हमें प्रॉफिट यूज करना है. बट यहाँ क्वेश्चन में बोला है टू इंटू, क्वेश्चन में क्या बोला है? टू इंटू ट्वाइस द अमाउंट. सो क्या सबसे पहले तो हमें चाहिए कि फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर रिडीम्ड इन कैश कितना है? फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स रिडीम्ड इन कैश कितना है? इट इज कितना है? यहाँ पे हमने 2000 डिबेंचर कैश में
2000 हमने क्या किया, 2000 डिबेंचर होल्डर्स को कैश दिया, 2000 डिबेंचर्स के होल्डर को कैश दिया. सो 2000 इनटू व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, 2000 इज द डिबेंचर विच इज रिडीम्ड इन कैश और उसका डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100. तो ये अमाउंट कितना होएगा, ये अमाउंट होएगा 2 लाख, ये अमाउंट होगा 2 लाख. तो फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर रिडीम्ड इन कैश क्या है, 2 लाख. फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर रिडीम्ड इन कैश क्या है, 2 लाख. इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है ट्वाइस 25%, 2 into, तो यहाँ पे ब्रैकेट में बताती हूँ, 2 into 25% विच इज इक्वल टू 50% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम्ड इन कैश कितना है, 2 लाख. तो कितना अमाउंट आता है, कितना अमाउंट आता है इसका, 50% मतलब हाउ मच इज कमिंग, इट इज कमिंग 1 लाख, इट इज कमिंग 1 लाख. तो हमें 1 लाख क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें कितना अमाउंट एज पर लॉ कितना है, 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर रिडीम्ड इन कैश. तो यहाँ पे कितना है फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर रिडीम्ड इन कैश, इट इज 2000 डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज 100. तो हमें देखा जाए, हम प्रीमियम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हम जो डिबेंचर होल्डर है उनको 5 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं. डिबेंचर का फेस वैल्यू तो 100 है, डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 है, बट हम उनको 105 रुपीज दे रहे हैं. पर जब हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं तो हमें सिर्फ फेस वैल्यू चाहिए, तो इट इज कमिंग 1 लाख. इसको बोलेंगे बीइंग ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन कैश. Being transfer of amount on redemption of debentures in cash. या तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, being transfer of, being transfer of minimum, being transfer of profits ट्रांसफर ऑफ ट्वाइस द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड बाय लॉ. सी नरेशन इज नॉट एग्जैक्ट होना चाहिए, तुम्हारे वर्ड्स में तुम लोग कैसे भी लिख सकते हो, बट इट शुड बी द विद दिस सम इज डन. थैंक यू वेरी मच एवरी वन.